हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। ये मैं चावल डाल रही हूँ कटोरे में, और ये एक आलू है ये डाल रही हूँ। ये रात के चावल बच गए थे तो उसी से ही मैं बना रही हूँ, कुछ भी वेस्ट नहीं होने देती हूँ। तो ये मैंने 2 गंठी प्याज ले लिए हैं, इसको महीन महीन काट लूँगी। और ये मैंने एक हरी मिर्च ले ली है, इसको भी इसमें महीन महीन काट के डाल दूँगी। आप चाहें तो कुछ भी सब्जी डाल सकते हैं इसमें, जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने यही बना लिया है, यही डाल लिया है मतलब, और मैं नाश्ते में यही बना रही हूँ। तो मैंने सब महीन महीन काट लिया है और इसको सब मिक्स कर लूँगी मैं अच्छे से। और मेरे पास यही सब्जी थी मतलब प्याज और हरी मिर्च था, तो मैंने यही डाल लिया है। अगर मेरे पास और कोई सब्जी पड़ी होती तो मैं वो भी डाल लेती। तो मैं ये 2 चम्मच अरारोट डालूँगी, इसको अरारोट में मिक्स कर लूँगी। नमक डाल दूँगी इसमें, और स्वाद के अनुसार आप नमक डालिए अपने हिसाब से। और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी, और आप जो मसाले डालना चाहें वो डाल सकते हैं, कैसा कितना तीखा खाना है आपको कैसा। और मैं हल्की सी धनिया भी डाल दिया है पिसा, और थोड़ी सी मिर्च डाल दी है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये अगर सूखा लग रहा है तो इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसको। तो अच्छे से मैं इसको फोड़ फोड़ के मिक्स कर लूँगी, 1-2 टाइप का बना लूँगी इसको। और उसके बाद फिर मैं इसमें गोलियां टाइप का बनाऊंगी। पहले मैं अच्छे से इसको फोड़ लेती हूँ। मुझे पानी और कम लग रहा था तो मैंने और थोड़ा सा डाल दिया, और अच्छे से उंगलियों की मदद से मैं इसको फोड़ लूँगी और इसको डो बना लूँगी इसका। तो मैंने इसको फोड़ लिया है, और मुझे अरारोट थोड़ा कम लगा तो मैंने 2 चम्मच और डाल दिया है। तो मैंने अरारोट डाल दिया है 2 चम्मच, और इसको भी मिक्स कर लेती हूँ। तो ये मिक्स हो गया है, मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। तो अच्छे से इसको मसल ले रही हूँ, और मसल के मैंने एक तरफ कढ़ाई होने रख दी है, उसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया है। तो कढ़ाई अब तक हो रही है, तब तक मैं इसका तैयार कर रही हूँ इधर। तो ये हो चुका है, बन गया है। मैं इसको गोल गोल गोले टाइप के बना के उसके बाद मैं इसमें डिज़ाइन दे दूँगी थोड़ी सी बीच में होल करके। तो ये मैंने डिज़ाइन दे दी है इसमें, और डिज़ाइन दे के फिर मैं इसको कढ़ाई में डाल देती हूँ। ऑयल मेरा गर्म हो गया था तो मैंने उसमें डाल दिया है, और ऐसे ही मैं ये भी बना लूँगी, दूसरा भी बना लेती हूँ मैं ऐसे ही। तो इसमें भी मैंने होल कर दिया है, और अच्छे से इसको थोड़ा सा चपटा कर दिया है। आप जैसा सेब चाहें वैसा सेब दे सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही करके मैं एक एक करके सब बना लूँगी। तो ये भी मैं बना ले रही हूँ, और अच्छे से सब रेडी कर लूँगी। थोड़ा सा मुझे पानी लगाना पड़ रहा है, वरना मेरे हाथों में ये चिपकेगा, इसलिए हल्का सा पानी हाथों पे लगा लीजिए। और होल करते समय भी थोड़ा सा उंगली को पानी में भिगो के फिर इसमें होल करिए, ताकि अच्छे से इसमें होल हो सके। तो ये भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया था, और ये भी मेरा रेडी हो गया बन के। तो ये भी मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। तो ये हो गया है, तो इसमें भी और बन जाएंगे। तो ये बना के मैं रख देती हूँ, जब तक बोएंगे मैं पहले इसको थोड़ा सा मीडियम आँच पे इसको अच्छे से ब्राउन कर रही हूँ, उसके बाद उसको फुल कर लूँगी। सॉरी, मीडियम आँच पे अच्छे से ब्राउन करके उसको मीडियम कर दूँगी, बिल्कुल धीमी कर दूँगी, ताकि अच्छे से वो अंदर से सॉफ्ट होंगे और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये मैंने इधर इसको बना के रख दे रही हूँ, क्योंकि चावल ऑलरेडी उसमें पड़े हुए हैं कढ़ाई में, तो मैंने वो कढ़ाई में डाल दिए, वो हो रहे हैं। जब तक इसको मैं इधर बना के रख देती हूँ। तो इसको बहुत मध्य आँच पे बनाना पड़ता है, ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। अगर क्रिस्पी नहीं होंगे तो अच्छे बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो ये मैंने सारे बना दिए हैं, इसको ही बना देती हूँ।
उसके बाद मैं हाथ साफ करके उसके बाद मैं उसको चलाऊंगी, देखूंगी, चेक करूंगी हो गए नहीं हो गए। तो ये मैं हाथ धुल के आ गई हूँ और ये मैं करछी से इसको देखूंगी, चेक करूंगी, इसको पलटूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही मीडियम आंच पे इसको बनाना था ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो। तो ये एक साइड से हो चुके हैं तो मैंने इसको पलट दिया है। तो ये मैंने चारों पलट दिए हैं, अच्छे से इसको क्रिस्पी कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी, सब्जी क्रिस्पी हो जाएंगे। तो मेरी मीडियम आंच थी तो मैंने अब थोड़ी सी तेज कर ली है। तो ये मेरे होने ही वाले हैं, कलर भी इसका लगभग चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये मेरे हो गए हैं, देखिए आप देख सकते हैं कितना इसका कलर चेंज हो चुका है, क्रिस्पी लग रहे हैं देखने में। तो अब हो चुके हैं, इसको निकाल लेती हूँ मैं प्लेट में। ये मेरे हो चुके हैं, मैंने इसको ये निकाल लिया है। सॉरी, ये करछी से फिसल गए थे तो ये सब मैंने निकाल लिया। और मैं वो दूसरे वाले भी मैं डाल दूँगी उसमें, जो मैंने प्लेट में बना के रख रखे थे, तो ये भी डाल दूँगी। ये भी मेरे अब तक हो रहे हैं। ये देखिए, ये भी मेरे हो चुके हैं और मैं अब नाश्ता रेडी कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग भी बनाइएगा, अच्छे लगते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।